नमस्कार मित्रों, आदर्श डेयरी फार्म के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत दिन से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, थोड़ी व्यस्तता के चलते, क्योंकि बीच में थोड़ा सा सेल प्रोजेक्ट का भी काम स्टार्ट हो गया था। तो अच्छी नस्ल का गाय लाना, ढूंढना और ख़रीद के लाना, उसके बाद नई नई गाय जब आती हैं दूर से, बनारस साइड से, बाबतपुर साइड से, तो उनको दो तीन दिन सेट होने में लग जाता है, क्योंकि लंबी दूर से गाड़ी से आती है, थकावट में होती हैं गाय। तो सारी तो नहीं, लेकिन कुछ गाय ऐसी होती हैं जो कि स्ट्रेस में आ जाती हैं, थोड़ा सा तनाव में आ जाती हैं, थकान में आ जाती हैं, तो उन्हें एक दो दिन लगते हैं सेट होने में। तो सबसे पहले आप लोगों को आदर्श डेयरी फार्म की तरफ से होलिका की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, ये जो होली का त्यौहार है, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में काफ़ी लोकप्रिय और मायने रखने वाला त्यौहार है। तो इसे आपसी प्रेम भाईचारे के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ मिल बांट के अच्छे से प्रेम से मनाएं और एक दूसरे का अधिक से अधिक सहयोग करें। कोई ऐसी उड़ंडता न करें जिससे किसी का त्यौहार जो है ख़राब हो जाए। मित्रों, हम जानते हैं कि जैसे अंग्रेजी जो है वर्ष का 1 जनवरी से हम लोग मनाते हैं नया साल, उसी तरह से जो है होली के दिन से चैत्र का पहला दिन जो होता है, उसी दिन से हम लोग का हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का नया वर्ष स्टार्ट होता है। उसी के खुशी में हम लोग जो है कि ये त्यौहार मनाते हैं। तो प्रयास रहे कि एक दूसरे का सहयोग किया जाए और एक अलग ही तरह से, कहने का मतलब ये है कि हमारे भारतवर्ष, हमारा जो देश है बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो हम एक दूसरे से मिल के खुशी खुशी इस त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे। और आज का ताज़ा अपडेट ये है कि जो इसके पहले मैंने बाहर से 5-7 गाय लाया था और उसको सेल भी कर दिया, क्योंकि रेशियो क्या था कि मतलब एक दो दिन पे एक गाय का डिमांड आ रहा था और लगभग पर डे एक गाय जो है सेल हो जा रही है। अभी क्या है, त्यौहार की वजह से कुछ ग्राहक लोग जो है कम हैं, त्यौहार बीत जाता है तो वो अपना फिर परचेजिंग का काम शुरू कर देंगे। आदर्श डेयरी फार्म का ये प्रयास रहता है कि जो भी पशुधन उपलब्ध कराया जाए वो ग्राहक उससे काफ़ी संतुष्ट रहें, और कहीं से भी अगर लेकिन आता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो होती है हम डेयरी फार्म की होती है, अपने मैं उसको जो है पूरा जिम्मेदारी लूँगा। और प्रयास मेरा ये रहता है कि मैं थोड़ा 1,000, 2,000, 3,000 महंगा जानवर ज़रूर लेता हूँ, लेकिन पूरी संतुष्टि के साथ, ताकि हमारे ग्राहक संतुष्ट रहेंगे तभी मैं संतुष्ट रहूँगा। और एक चीज़ मैं आपको लोग बताना चाहूँगा कि मौसम बदल रहा है और इसके साथ साथ चारा भी बदलेगा। चारा बदलने का मतलब कि अब जो है पुआल का सीज़न, नया नया भूसा होगा, तो पुआल से लोग भूसा खिलाना स्टार्ट करेंगे। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि जो बड़े डेयरी फार्मर हैं जिनके पास 8-10 गायें हैं, उनको बड़ा नहीं, एक एवरेज डेयरी फार्म बोल सकते हैं, तो हमारी तरह जिनके पास 10-12 जानवर हैं, 15 जानवर हैं, वो क्या काम करें कि सबसे पहले डिवार्मिंग का ये परफेक्ट समय है और इस समय डिवार्मिंग करना ज़रूरी है। तो जो गाय 1 महीने में बच्चा देने वाली है, 1-1.5 महीने में बच्चा देने वाली है, उनको छोड़कर आपका प्रयास रहना चाहिए कि सारे जानवरों को, चाहे वो बछिया हों, 1 महीने के अंदर की हों, 3 महीने की हों, 1 साल की हों, या फिर जो जानवर हमारे 5, 6, 7 महीने की प्रेग्नेंट हो, उनको भी डिवार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं एक सस्ता सा उपाय आपको बता देता हूँ, क्योंकि कोई भी आप डिवार्मर लेते हैं मेडिसिन,
जैसे क्यूरा जान लेते हैं तो उस वो लगभग 90 रुपीज़ 95 रुपीज़ के लगभग आता है। तो आप लोग क्या करें कि एक एक लीटर का आता है, कोई भी एक लीटर का ले लें, वो 500-600 रुपये में आपको एक लीटर मिल जाएगा। और जो बड़ी गाय हैं उसको पर 100-100 ग्राम करके आपको मैं दिखाना चाहूँगा। वो मैंने एक लाया था नीलजान करके था, ये वीरबैक कंपनी का नीलजान है, जिसको मैंने पर जानवर को, बड़े जानवरों को 100-100 ml करके दिया। और इसके बाद जो है ये सस्ता पड़ा, इसका प्रिंट जो है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, 738 रुपये है, लेकिन ये 600 के लगभग आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसको देने के बाद कुछ जानवरों का गोबर थोड़ा ढीला होगा, जैसे ये गाय देखिए, इसको मैंने कुछ अभी ये एक महीना नहीं होगा, 20 दिन लगभग 20-25 दिन की बच्चा दी है, ये देख सकते हैं इसकी बच्चियाँ हैं। तो ये दवा देने के बाद गोबर ऐसा हो रहा है, तो ये आम बात है, ये स्वाभाविक बात है। इसको देखने ऐसा गोबर पतला गोबर करने से आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्या करूँगा मैं कि 5 लीटर का कोई लीवर टॉनिक लूँगा और सारे जानवरों को 100-100 ml पर डे के हिसाब से जितना दिन चलेगा इसको मैं दूंगा, ताकि जो भी लीवर में दिक्कत आई होगी इसको देने से, देने का मतलब कीड़ी की दवा देने के बाद थोड़ा सा लीवर इफेक्ट होता है, तो उस जो भी दिक्कत आई होंगी वो सब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये परफेक्ट समय है डिवार्मिंग का, आप लोग जो है क्योंकि मौसम बदल रहा है, चारा बदलेगा और जो दूध में कमी होती है जानवरों को, वो डिवार्मिंग करने के बाद थोड़ा सही हो जाएगी। कुछ जानवरों का हेल्थ भी इशू आता है जब कीड़े की समस्याएं होती हैं। तो अभी मैं आप लोगों को जो दो गाय सेल के लिए आई हुई हैं उसको मैं दिखाना चाहूँगा। उड़ जाओ उड़ जाओ, ये देखिए ये गाय जो है बच्चा देने वाली है, और ये जो है लगभग 15 लीटर दूध, वो तो 16 बता रहे थे, लेकिन 15 लीटर दूध जो है पर डे का ये गाय करती है। ये सेकेंड लैक्टिशियन में गाय है, सेकेंड बार बच्चा देगी, आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। एक ये गाय सेल के लिए उपलब्ध है, और एक गाय और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। एक ये गाय है जो कि 20 से 22 लीटर दूध पिछले ब्याह में निकाली है। इस बार गाय थोड़ा कमज़ोर हो गई है, इसको सही से किसान जो है भोजन नहीं दे पाए। अभी इसमें 10 दिन का समय है, और अगर ये 10 दिन समय खींच लेती है तो प्रयास रहेगा इसको खिला के मैं कुछ एक हद तक ठीक कर सकता हूँ। इसलिए कि जब गाड़ी पे ट्रांसपोर्ट्स पे लद के गाय आती हैं दूर से, इन दोनों गायों को मैंने बाबतपुर साइड से लिया है, और ट्रांसपोर्ट पे लद के जब गाय आती हैं तो थोड़ा सा कुछ समय से पहले बच्चा दे देती हैं, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ही रहेगा। और मैं प्रयास करूँगा जितना समय अगर ये सब खींचेंगी उतना हमारे हक में अच्छा होगा, क्योंकि उतने ही अच्छे ढंग से मैं इन्हें खिला पिला सकता हूँ, तैयार कर सकता हूँ। तो ये गाय सेल के लिए उपलब्ध है, और इसके पहले जो मैंने गाय दिखाया था दो गाय सेल के लिए उपलब्ध है। जो भी किसान भाई डेयरी फार्मर, क्योंकि ये दोनों गाय डेयरी के लिए परफेक्ट है, कम पैसे में अच्छी नस्ल की गाय, क्योंकि 20-22 लीटर की दूध की गाय अगर हम खरीदे जाते हैं तो इस समय जिस तरह की स्थिति चल रही है वो 70 के ऊपर जो है 70-75 में मिल रही हैं। थोड़ा सा कमज़ोर गाय लेने से ये फ़ायदा होता है कि थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं और जो है हम उन्हें खिला के तैयार कर सकते हैं। और ये तीसरे नंबर की गाय है जो हमारे फार्म की गाय है, ये पिछले ब्याह में मैंने खरीदा था, ये 18 लीटर दूध की थी, लेकिन पिछली बार क्या था कि ये 20 दिन ही गाय छूटी थी, और उसके बाद गाय बहुत कमज़ोर थी पिछली बार, और उसके बावजूद भी इसने 18 लीटर दूध किया था। अभी इसमें लगभग 15 दिन समय है बच्चा देने में, तो ये गाय सेल के लिए नहीं है, क्योंकि ये ब्याने के 1.5 महीने में सीमन ले लेती है, इसलिए इसको अभी 1-2 ब्यात अपने फार्म पे रखना है हमें।
आप लोग देख सकते हैं इसकी अर्डर क्वालिटी, अर्डर की बनावट देख सकते हैं। और ये गाय पूरी तरह से सेट हो चुकी है हमारे फार्म पे। आज का ताज अपडेट यही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में चर्चाएं होती रहेंगी।